हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिर्फ स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में जैसा कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने डिमांड की है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड करा दीजिए, तो आज के टॉपिक में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2019 के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे, जो कि सभी राज्यों की न्यायिक परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। जैसा कि AIIB का एग्जाम 25 अप्रैल 2021 को होना तय है, जो ओपन बुक एग्जाम नहीं होगा, परंतु बिना नोट्स की बैरेट्स को साथ में आप लोग ले जा सकते हैं। इसके अलावा पेपर अटेंड करने से पहले आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को अवश्य सॉल्व कर लें, जिससे कि आप लोगों को पेपर का पैटर्न जो है पता हो जाएगा और पेपर्स को सॉल्व करने में आसानी होगी। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 31 मार्च 2021 तक कर दी गई है, और जो इसका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा वो 10 अप्रैल 2021 को रिलीज किया जाएगा, और जो एग्जाम की डेट जो फिक्स की गई है वो 25 अप्रैल 2021 को फिक्स की गई है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2019 के प्रश्न पत्र को। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2019 जो कि 15 सितंबर 2019 को आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही उल्लिखित है। तो भारत में प्रतिफल को वचन ग्रहिता से अनुगमन करना चाहिए। दूसरा है, भारत में प्रतिफल केवल वचनदाता या केवल वचन ग्रहिता से अनुगमन करना चाहिए। तीसरा है, भारत में प्रतिफल वचनदाता या किसी अन्य व्यक्ति से अनुगमन करना चाहिए। और चौथा है, भारत में प्रतिफल वचन ग्रहिता या किसी अन्य व्यक्ति से अनुगमन करना चाहिए। तो चारों ऑप्शन सही उल्लिखित है, तो इसमें आंसर पांचवा होना चाहिए था कि ऑल ऑफ दी अबव, तो इसमें से कोई आंसर हम सही नहीं बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, कि कथन दिया गया है ये पंगम के संपार्श्विक संव्यवहार वैध हैं, ये सही है। कारण जो दिया गया है, भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 30 के तहत केवल पंगम के करारों को शून्य घोषित किया गया है, तो ये भी सही है। तो आंसर जो इसमें आपका हो जाएगा वो डी है, AOR दोनों सही है, RA का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री, होल्डर शब्द में शामिल है प्राप्तकर्ता, वाहक, प्रष्टांकित, उपरोक्त सभी, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के तहत एक मुस्लिम पत्नी विवाह विच्छेद की मांग कर सकती है यदि उसका पति 4 वर्ष तक वैवाहिक दायित्व निभाने में विफल रहता है, तो आंसर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव, क्यूरेटिव पिटीशन क्यूरेटिव याचिका की अवधारणा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न मामले में शुरू की गई थी। अशोक हुर्रा, रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा के मामले में, जो कि 2002 का मामला है, आंसर इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स, राइट टू फ्री लीगल एड को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन मौलिक अधिकार के रूप में किस मामले में मान्यता दी गई थी। तो हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य AIR 1979 सुप्रीम कोर्ट 1360 के मामले में, जो कि स्पीडी ट्रायल और फ्री लीगल एड से संबंधित केसला है, बहुत ही महत्वपूर्ण केसला था, आंसर इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन, मोहम्मद अल्लाह ताद खान मना मोहम्मद इस्माइल खान का मामला निम्न में से संबंधित है, सुफा से नहीं, उपहार से ये भी नहीं, मेहर से इससे भी संबंधित नहीं, प्रत्युत की अविस्वीकृति से, एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी से संबंधित केसला है, आंसर इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में मुस्लिम पति द्वारा 3 तलाक की घोषणा को असंवैधानिक कहा था। तो सहरा बानू बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2017 के मामले में, इसी के आधार पर ट्रिपल तलाक कानून को लागू किया गया है, तो इसका आंसर जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन, संपत्ति में मेंस प्रॉफिट का क्या अर्थ है। वे लाभ जिनको इस तरह की संपत्ति पर सदोष कब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वास्तव में प्राप्त किया गया है, एक्चुअल में जो प्राप्त किया गया है या हो सकता है, साथ ही ऐसे लाभों पर ब्याज, वो है मेंस प्रॉफिट कहलाता है, तो इसका जो आंसर है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन, निम्नलिखित में से कौन एक विधिक प्रतिनिधि नहीं है। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, तो इसमें आप लोगों को यदि जो आंसर सही लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में विधि रूप के बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, जनहित याचिका निम्नलिखित में से किस अपेक्षा की छूट है। अधिकार क्षेत्र नहीं, लॉकस स्टैंडाई का है, आंसर इसका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, निम्नलिखित में से कौन सा मामला जनहित याचिका का मामला नहीं है। तो जो केशव आनंद भारती बनाम केरल राज्य AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट 1461 का मामला है, वो जनहित याचिका का मामला नहीं है, आंसर इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से क्या एक सीनियर एडवोकेट द्वारा किया जा सकता है। जूनियर एडवोकेट के निर्देश पर मुवक्किल की ओर से रियायतें दी जा सकती हैं सीनियर एडवोकेट के द्वारा, तो इसका आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14,
लैटिन मैक्सिम है कि यूवीआई जस आईवीआर रिमेडियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यूवीआई जस आईवीआर रिमेडियम का अर्थ है कि जहां अधिकार है वहां उपचार है, तो इसका जो आंसर है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, लैटिन शब्द ए भी है, मैक्सिम दी गई है कि इंजरिया साइन डमनम का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इंजरिया साइन डमनम का जो शाब्दिक अर्थ है, नुकसानी किए बिना कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है, तो इंजरिया साइन डमनम का प्रयोग किया जाता है। और जब कानूनी अधिकार के उल्लंघन के बिना नुकसानी होती है तो डमनम साइन इंजरिया का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न के अनुसार आंसर इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, दावा अधिकरण से संबंधित प्रावधान मोटर यान अधिनियम के किस धारा के अंतर के अधीन दिए गए हैं। तो धारा 165 से 175 के बीच में दिए गए हैं। अधिकरण के संबंध में जो मोटर क्लेम एक्सीडेंट का क्लेम होगा, जो अधिकरण किया दावा अधिकरण ट्रिब्यूनल के बारे में प्रावधान 165 से 175 के बीच में दिए गए हैं, आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, रूल ऑफ लॉ का क्या अर्थ है। कानून के समक्ष समानता, कानून की सर्वोच्चता, कानून की भावना की प्रधानता, तो उपरोक्त सभी, इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, रिट ऑफ क्यू वारंटो का क्या उद्देश्य है। रिट ऑफ जो क्यू वारंटो है, अधिकार परीक्षा रिट, ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की जाती है जो अवैध रूप से किसी पब्लिक अथॉरिटी या कोई सार्वजनिक पद को धारण करते हैं, तो उनसे ये पूछा जाता है किस आधार पर उन्होंने उस पद को ग्रहण किया है। तो ड्यूटी करने के लिए पब्लिक अथॉरिटी को मजबूर करना ये नहीं है, गैर कानूनी कार्य करने से पब्लिक अथॉरिटी को प्रतिबंधित करना ये भी नहीं है, किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से रहने वाले को हटाने के संबंध में क्यू वारंटो रिट का प्रयोग किया जाता है, आंसर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, रिट ऑफ सेरेसरी किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है। तो न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी की जाती है, प्रशासनिक निकायों के विरुद्ध नहीं जारी की जाती है, तो इसका जो आंसर है वो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ये अवधारित किया है कि सरकारी या निजी चिकित्सीय पेशे के प्रत्येक सदस्य का ये स्थायी दायित्व है कि प्रत्येक घायल व्यक्ति को बिना प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के तुरंत चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जाए। तो बहुत ही फेमस केस रहा है परमानंद कटारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1989, सुप्रीम कोर्ट 2039 का केसला है, तो इसका आंसर जो है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को किस मामले में एक स्वतंत्र एजेंसी बनाने के लिए निर्देश जारी किया ताकि वे अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकें और सार्वजनिक जीवन व उच्च स्थानों पर अपराध और भ्रष्टाचारों की जांच कर सकें। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पे हमें कन्फ्यूजन है थोड़ा, तो इसका यदि आपको आंसर करेक्ट पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित कथनों में से एक सत्य नहीं है, वे कौन सा सही नहीं है। एक सह अभियुक्त द्वारा अन्य सह अभियुक्त को आरोपित करने की संस्वीकृति सिद्ध होगी, ये सही है। एक पुलिस अधिकारी के पास किया गया कपूरनामा साबित नहीं किया जाएगा, ये भी सही है। धारा 25 के अंतर्गत पुलिस के द्वारा की गई संस्वीकृति या पुलिस के समझ की गई संस्वीकृति को साबित नहीं किया जाएगा। तीसरा है कि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में किसी व्यक्ति के सामने पुलिस अधिकारी की हिरासत में किसी व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति या स्वीकृति साबित की जा सकती है, नहीं साबित की जाएगी। केवल तभी साबित की जाएगी जब पुलिस अधिकारी की हिरासत में मजिस्ट्रेट से की गई हो। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में किसी व्यक्ति के सामने का कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि ये धारा 26 का अपवाद है। जो चौथा दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति की स्वीकृति किसी वस्तु के खोज की ओर ले जाती है तो ये साबित की जा सकती है, तो ये धारा 27 के अंतर्गत साबित की जा सकती है। तो इसमें जो सत्य कथन नहीं है वो सी नहीं है, बाकी इसमें ए बी डी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य किस विषय का एक प्रमुख बात है। तो बहुत ही फेमस केस ला था सही अभियुक्त की संस्कृति के संबंध में, कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश का मामला, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन दीवानी और आपराधिक मामलों से संगत नहीं है। तो धारा 8 में तीन फैक्ट दिए गए हैं, हेतु तैयारी आचरण, तो इसमें हेतु आचरण तैयारी ए सी डी है, तीनों सही हैं, और जो सही नहीं है प्रयास, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी ए टी एन ए का क्या अर्थ है। तो इसका जो बी ए टी एन ए स्टैंड फॉर बेस्ट अल्टरनेटिव टू ए नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, तो इसका आंसर जो है बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, मध्यस्थता मौसुला अधिनियम 1966 की धारा 9 किससे संबंधित है। तो न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम उपायों से संबंधित है, इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, भारत में पहली बार सर जेम्स विल्सन द्वारा किस वर्ष में आयकर प्रस्तुत किया गया था।
1868 में आंसर बी, नेक्स्ट क्वेश्चन 28। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 एवं 29 में थोड़ा कन्फ्यूजन है, यदि इस क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को जो सही लगते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। 100 क्वेश्चंस दिए गए हैं तो इसमें से 5 क्वेश्चंस के आंसर कंफ्यूजिंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, 30 है। दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित में से कौन सी धारा अनियमितताओं से संबंधित है जो कि कार्रवाइयों को दूषित करती है? तो 461 में वे कार्रवाइयां जो अनियमितताओं को दूषित नहीं करती हैं से संबंधित है, और जो दूषित करती हैं 461 में दी गई हैं, तो आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। निम्नलिखित में से कौन सा डिग्री का एक अनिवार्य तत्व नहीं है? तो ये देखना है कि इन चारों में से कौन सा डिग्री के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। तो पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक अवधारण करना बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, ये सही है। न्यायाधीश की औपचारिक अभिव्यक्ति, ये भी सही है। सी है, एक न्याय निर्णय से एक अपील होती है जैसे कि एक आदेश से एक अपील, तो ये इसका तथ्य नहीं है। और चौथा है, न्याय निर्णय एक न्यायालय के समक्ष बात से दिया गया होना चाहिए, ये भी डिग्री का आवश्यक तत्व है। तो जो तथ्य नहीं है, फैक्ट नहीं है, वो आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। निम्नलिखित में से क्या अधिवक्ता का न्यायालय के प्रति कर्तव्य नहीं है? तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 126 का उल्लंघन करना, ये नहीं है। तो आंसर इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। बार काउंसिल के जो नियम के अध्याय सेकंड है के भाग 6 के निम्नलिखित नियमों में से कौन सा मुवक्किल द्वारा प्राप्त धन की किसी भी राशि के संबंध में एक अधिवक्ता के कर्तव्य से संबंधित है? तो नियम 25 आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित में से कौन सी धारा में पुलिस रिपोर्ट से संबंधित है? तो 173 सब क्लास 2 सब सेक्शन आई जो है पुलिस रिपोर्ट से संबंधित है, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा अग्रिम जमानत से संबंधित है? तो एंटीसिपेटरी बिल से संबंधित सेक्शन जो है सीआरपीसी का सेक्शन 438 है, 438 आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। बांड और जमानत बांड को रद्द करने से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो सीआरपीसी की जो धारा है वो 446 सब क्लास जो ए दिया है उसके अंतर्गत आते हैं, तो आंसर इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। दहेज से संबंधित प्रावधान किसके अंतर्गत हैं? तो दहेज से संबंधित जो प्रावधान है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304 बी के अंतर्गत दिए गए हैं, और 304 ए जो है उपेक्षा द्वारा मृत्युकारित करने के संबंध में है, और धारा 304 जो है वो अपराधी मानववध के लिए दंड के संबंध में प्रावधान करती है, और धारा 305 बी आईपीसी में कहीं नहीं दी गई है। तो जो आंसर इसका सही है ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है कि निम्नलिखित में से किस धारा को शिशु द्वारा हत्या पर अंकुश लगाने के लिए डिजाइन किया गया था? तो धारा 315 को किया गया था कि शिशु का जीवित पैदा होने से रोकना या उसकी मृत्यु कारित करने के संबंध में जो प्रावधान है उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। अवयस्क और विकसित के हितों की रक्षा के लिए कौन सा आदेश विशेष रूप से अधिनियमित किया गया है? तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का जो आदेश 32 है ऑर्डर 32 के सब क्लास 1 में नेक्स्ट फ्रेंड को नियुक्त किया जाता है विकसित व्यक्ति के संबंध में या कोई पागल व्यक्ति के संबंध में, जो उसके लिए उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरे व्यक्ति को जो नियुक्त किया जाता है न्यायालय के द्वारा, तो आदेश 32 सब क्लास रूल 1 के तहत किया जाता है, तो आंसर इसका जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन सा आदेश एक अदालत में वाद विवाद को शासित करने वाले साधारण नियमों का पालन करता है? तो आदेश 6 है, प्लीडिंग जनरली के बारे में प्रावधान करता है, जो और जो बी है ऑर्डर 7 ये प्लेंट के बारे में बताता है, और ऑर्डर 8 जो है वो WS रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में प्रावधान करता है, और जो ऑर्डर 9 है वो पार्टियों के संबंध में है पक्षकारों के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। धारा 100 के अधीन दूसरी अपील कहाँ होगी? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि ए में जो दे रखा है उच्च न्यायालय द्वारा तैयार विधि के सारवान प्रश्न, और जो बी में दिया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा तैयार नहीं किया गया विधि का सारवान प्रश्न, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंजीकृत ट्रेडमार्क का उल्लंघन है? प्राधिकार के बिना सामान से संबंधित उस ट्रेडमार्क जैसे चिन्ह का उपयोग, उस ट्रेडमार्क का विज्ञापन ऐसा हो रहा है जो उस ट्रेडमार्क की प्रतिष्ठा के खिलाफ है, प्राधिकार के बिना व्यापार के नाम के रूप में उस ट्रेडमार्क का उपयोग, उपरोक्त सभी, तो आंसर इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। आजीवन कारावास से गुजर रहा व्यक्ति यदि हत्या का प्रयास करता है और उससे चोट पहुंचती है तो उसे कैसे दंड से दंडित किया जाएगा? उम्र कैद से, मृत्युदंड से, आजीवन कारावास से, उपरोक्त सभी से, आंसर इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। भारत में अपशिष्ट शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में अपशिष्ट शक्तियों का प्रयोग
संसद केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 में प्रावधान दिए गए हैं एसिडिटी पावर्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 भारतीय दंड संहिता के प्रावधान किसके अधीन अपराधी दंड के लिए दायी हैं? तो मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, कठोर कारावास, साधारण कारावास, संपत्ति की जब्ती और जुर्माना, तो उपरोक्त सभी। तो भारतीय दंड संहिता की जो धारा 53 है उसमें दंड के प्रकार दिए गए हैं, तो जिसमें 5 प्रकार के दंड दिए गए हैं, तो ये सभी हैं। तो आंसर इसका जो है डी सही हो जाएगा, धारा 53 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकनाटन नियम निम्नलिखित में से किस कानून का आधार है? तो मैकनाटन का जो नियम है ये महत्वपूर्ण केस लॉ है और इसको मैकनाटन रूल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के संबंध में है। इसमें पागलपन के बारे में बताया गया है, तो इसका जो आंसर है बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 असीमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम और हैश फंक्शंस के उपयोग से प्रभावित होने वाले प्रमाणीकरण को निम्नानुसार जाना जाता है? प्राइवेट के संबंध में जाना जाता है, आंसर इसका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 धारा 66F के अधीन साइबर आतंकवाद के लिए क्या सजा होगी? तो धारा 66 के अधीन जो साइबर आतंकवाद के लिए सजा है निर्धारित की गई है वो आजीवन कारावास तक, कारावास जो कि आजीवन कारावास तक हो सकेगा, तो आंसर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2J के संदर्भ में इंडस्ट्री का क्या मतलब है? बिजनेस ट्रेड अंडरटेकिंग, निर्माण या नियोक्ताओं की आजीविका, किसी भी तरह की आजीविका, सेवा, रोजगार, हस्तकला शामिल है, कर्मकारों का औद्योगिक व्यवसाय, तो औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत ये सभी चीजें आ जाएंगी, तो उपरोक्त सभी सही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान में तलाक की तुति का सिद्धांत शामिल है? तो सब क्लास जो है 13(2) आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत दोनों में से कौन सी परिस्थितियों में एक आश्रित एक संपत्ति के एक अंतर्निधि के विरुद्ध भरण पोषण के अपने अधिकार को प्रवर्तित करा सकता है, जिसमें से उसे भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है? केवल तब जब अंतर्निधि को ऐसे अधिकार की जानकारी है और केवल तब जब ट्रांसफर अनुग्रहीक है, तो दोनों स्थितियों में, आंसर इसका सी सही है, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 निम्नलिखित न्यायालयों न्यायाधिकरणों में से कौन सा एक जनहित याचिका को ग्रहण नहीं करता है? तो सुप्रीम कोर्ट भी ग्रहण करती है जनहित याचिकाओं को और हाईकोर्ट में भी जनहित याचिकाओं को ग्रहण किया जाता है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर जो है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 ए एक इमारत के आउटलेट पर अग्निशस्त्रों के साथ कुछ आदमी रखता है और जेड को बताता है कि वे जेड पर फायर करेंगे अगर जेड इमारत को छोड़ने का प्रयास करता है, तो ये क्या कर रहा है? ये है गलत तरीके से जेड को रोक रहा है, ये गलत तरीके से जेड को प्रतिरोध कर रहा है, तो आंसर इसका जो सी है, ए और बी दोनों सही है, क्योंकि जो ए अपराध कर रहा है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 340 और 342 के अंतर्गत कर रहा है, सदोष प्रतिरोध और सदोष प्रतिरोध के लिए दंड के लिए दायी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 ए जेट की सहमति के बिना जेट पर एक कुत्ते को कूदने के लिए उकसाता है, यदि ए का इरादा जेट को चोट पहुंचाना या डराना या खिजाना है, तो ए ने जेट पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है, आंसर इसका सी है, जो कि धारा 350 में दिया गया है आईपीसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 ए अपने मवेशियों को जेट के खेत में ये जानकर प्रवेश करवाता है कि वे उसकी फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ए ने क्या किया है? तो ए ने शरारत की है, शरारत का मतलब यहाँ पे है मिसचीफ, दृष्टि से संबंध में जो कि धारा 425 का अपराध किया है, आंसर इसका है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 निम्नलिखित में से किस देश से भारत के संविधान ने पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू का अनुकरण किया है? तो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है पुनरावलोकन के सिद्धांत को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 आपातकाल की घोषणा के दौरान भी भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को स्थगित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 को, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 अधिवक्ता अधिनियम 1961 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान बार काउंसिल ऑफ इंडिया को किसी भी स्टेट बार काउंसिल के समक्ष किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रत्यक्ष करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका जो आंसर है बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 किस न्यायालय या प्राधिकरण के पास नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की अवमानना के लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति है? तो नेशनल कंपनी लॉ अधिकरण को है, आंसर इसका जो है डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 निम्नलिखित में से कौन एक जो निहित हित नहीं है, ए ये अनुबंध करता है कि उसकी मृत्यु पर सी की संपत्ति हो जाएगी, तो ये इसमें बी की जो मृत्यु है
ए की मृत्यु पर संपत्ति सी की हो जाएगी, तो इसमें सी निहित हित है। ए अनुबंध करता है कि बी की मृत्यु पर संपत्ति सी की हो जाएगी, इसमें भी हित निहित है। ये अनुबंध करता है कि अगर वो बी से विवाह करता है तो संपत्ति सी की हो जाएगी, इसमें निहित हित नहीं है क्योंकि विवाह अलग दूसरे व्यक्ति से हो रहा है। और चौथा है कि ए यह निर्धारित करता है कि 10 साल बाद संपत्ति सी की हो जाएगी, तो इसमें भी वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो जो प्रश्न के अनुसार आंसर है सी सही नहीं है, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। कॉपीराइट कानून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? कॉपीराइट केवल अभिव्यक्ति की रक्षा करता है न कि विचार की, सही है। किसी तथ्य के संबंध में कोई कॉपीराइट नहीं है, सही है। किसी सरकारी कार्य में कोई कॉपीराइट नहीं है, ये गलत है। सरकारी कार्यों में कॉपीराइट होता है, तो इसका आंसर जो गलत है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति का चरित्र निम्नलिखित मामलों में असंगत है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो चरित्र के संबंध में प्रावधान 52 से लेकर 55 तक में दिए गए हैं, तो 52 से 55 तक में जो प्रावधान दिए गए हैं उसके अंतर्गत जो प्रश्न है यहाँ पर कि चरित्र के निम्नलिखित मामलों में असंगत है, तो आपराधिक मामलों में किसी अभियुक्त का पिछला चरित्र सुसंगत है, आपराधिक मामलों में अच्छे चरित्र के मुकाबले में पिछला खराब चरित्र सुसंगत है, सिविल मामलों में लगाया गया लांछन आचरण को सिद्ध करने के लिए चरित्र ये असंगत है। तो इसमें जो है असंगत जो पूछ रहा है, तो आंसर इसका सी यही सही हो जाएगा। सिविल मामलों में लगाया गया लांछन जो कि आचरण को सिद्ध करता है वो इरेलीवेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक साक्ष्य है? तो प्राथमिक साक्ष्य है न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, आंसर इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कब से प्रभावी हुआ है? तो 15 अप्रैल 1986 से, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा उपभोक्ता शब्द को परिभाषित करती है? तो उपभोक्ता शब्द की जो परिभाषा दी गई है वो धारा 2 सब क्लास 1 और सब सेक्शन डी में दी गई है, तो आंसर इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। लॉ ऑफ टैक्सेशन का सिद्धांत कि कानूनी प्राधिकार के बिना कोई भी कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्रित किया जाएगा, किसके अंतर्गत अंतर्विष्ट है? तो संविधान के जो अनुच्छेद 265 के अंतर्गत अन्विष्ट है, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। आयकर अधिनियम की किस धारा के अधीन अन्य व्यक्तियों की आय कर निर्धारित की कुल आय में शामिल है? तो धारा 60 से 65 तक में प्रावधान दिए गए हैं उसके अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के मामलों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? तो 249 के अंतर्गत दिया गया है, आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। निम्नलिखित में से किस मामले में अदालत ने अधिकथित किया है कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है? तो ये जो क्वेश्चन है आर्टिकल 21 और आईपीसी के सेक्शन 309 पर आधारित है। तो पहले जो केस ला आया था पी रति नाम नागभूषण बनाम पटनायक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मामला जो था, उसमें ये कहा गया था कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है। परंतु उसके बाद जो केस ला आया है श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का मामला, इसमें ये कहा गया कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। तो ये दोनों केस ला है आईपीसी के 309, तो प्रश्न के अनुसार जो शामिल नहीं है, तो इसमें आंसर इसका बी है। और ये भी जो है इससे पहले का है, इसमें शामिल था और इसमें शामिल नहीं है। तो पी रति राम नागभूषण पटनायक बनाम भारत संघ के मामले में राइट टू डाई को शामिल माना गया था, और श्रीमती ज्ञान कौर पंजाब राज्य के मामले में नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, इसमें जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। प्रश्न यह है कि कोई बिल बनी बिल है या नहीं, ये किसके द्वारा निश्चित होगा? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा निश्चित होगा, आंसर इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। संविधान की 10वीं अनुसूची के अधीन निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो जो सदनों के पीठासीन अधिकारी होंगे उनके द्वारा लिया जाएगा, आंसर इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब निर्धारित किया है कि एक इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन हुए है जिसमें भारत के बाहर आर्बिट्रेशन की अपनी न्यायिक या कानूनी सीट है? तो भाटिया इंटरनेशनल बनाम बुक ट्रेडिंग SA 2002 SCC 105 का मामला है, आंसर इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा राजगामी होने के बारे में अधिकथित करता है? तो धारा 29 प्रावधान करती है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की राजगामी होने के बारे में, आंसर इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74।
इनमें से कौन सा एक विदेशी निर्णय अधिनिर्णय है? आर्बिट्रेशन का एक पुरस्कार जहां कम से कम एक पार्टी गैर भारतीय है, नहीं, फॉरेन सीटेड आर्बिट्रेशन में पारित अधिनिर्णय विदेशी अधिनिर्णय कहा जाएगा। आंसर इसका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75। यदि कोई पुरुष किसी ऐसी लड़की से शादी करता है जो उसके साथ निषिद्ध रिश्ते में है और उसके रिवाज इस तरह की है कि विवाह की अनुमति नहीं देते हैं, तो इस तरह के व्यक्ति को कैसे दंडित किया जाएगा? तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 18 सब क्लास बी के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 76। दंड प्रक्रिया संहिता 76 है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा यह निश्चित करती है कि एक शून्य विवाह से हुआ शिशु वैध होगा? तो धारा 16 जो है वो ये स्पष्ट प्रावधान करती है कि यदि विवाह शून्य है तो उस दौरान जो बच्चा उत्पन्न होगा वो वैध माना जाएगा। आंसर इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के अधीन पुलिस अधिकारी अभियुक्त को उसके जमानत के अधिकार के बारे में बताने के लिए बाध्य है? तो धारा 50 प्रावधान करती है कि किसी भी पुलिस अधिकारी के द्वारा किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके द्वारा उसको जमानत के अधिकार के बारे में बताया जाएगा, ये पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। किस परिस्थिति में न्यायालय फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की के लिए आदेश जारी कर सकते हैं? वे व्यक्ति जिसको उद्घोषणा जारी की जाती है वो उसकी संपत्ति को विनित करने वाला है तब भी जारी कर सकते हैं। दूसरा है वे व्यक्ति जिसके बारे में उद्घोषणा जारी की जाती है कि वो उसकी संपत्ति के किसी भी हिस्से को विनित करने वाला है, बेचने वाला है, तब भी जारी की जाती है। तीसरा है कि वे व्यक्ति जिसके बारे में उद्घोषणा जारी की जाती है वे न्यायालय के स्थानीय अधिकार क्षेत्र से अपनी संपत्ति का पूरा या कोई भी हिस्सा निकालने वाला होता है तो भी कुर्की की उद्घोषणा जारी की जा सकती है। तो उपरोक्त सभी परिस्थितियों में जारी की जा सकती है। तो आंसर इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो 482 सीआरपीसी का जो सेक्शन है वो इनहेरेंट पावर ऑफ दी हाईकोर्ट की है। तो इसका जो आंसर है सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। अगर एक आदमी के बारे में ये साबित हो जाता है कि के लिए नहीं सुना गया है उनके द्वारा जो स्वाभाविक रूप से उनके बारे में सुनते यदि वे जीवित होता तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अधीन ये अनुमान किया जाएगा कि वे मर चुका है तो 7 वर्ष भारतीय दंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जो धारा 108 है ये प्रावधान करती है कि जिस व्यक्ति के बारे में 7 वर्ष से नहीं सुना गया है तो ये माना जाएगा कि वह व्यक्ति मर गया है। तो ये धारा 108 जो है वह मृत्यु की अवधारणा करती है और धारा 107 में ये बताया गया जीवन की अवधारणा के बारे में। तो जो प्रश्न के अनुसार आंसर इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। एक मूक गवाह ने खुली अदालत में लिखित रूप से अपना साक्ष्य दिया, ऐसे साक्ष्य को क्या कहा जाएगा? तो ऐसे साक्ष्य को मौखिक साक्ष्य ओरल एविडेंस कहा जाएगा क्योंकि धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा जो है 119 डम्प विटनेस के बारे में प्रावधान करती है और ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो बोलने में असमर्थ है खुले न्यायालय में इशारों द्वारा या किसी भी द्वारा लिख करके साक्ष्य देता है तो उसके साक्ष्य को मौखिक साक्ष्य ओरल एविडेंस माना जाएगा। आंसर इसका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक दस्तावेज नहीं है? तो बैंक के खाते, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उच्च न्यायालय का निर्णय, पंजीकृत बिक्रीनामा, तो ये सभी लोक दस्तावेज हैं। तो इसमें जो आंसर है ऑल ऑफ द एबव नहीं दिया गया है, तो ऑल ऑफ द एबव जो है सभी लोक दस्तावेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 कब लागू हुआ था? तो 1 मार्च 1894 को लागू हुआ था। आंसर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। निम्नलिखित में से कौन सा दंडादेश सेशन कोर्ट सुना सकते हैं? तो जो सेशन कोर्ट को जो पावर है मृत्यु दंड की है और ये धारा जो 28 प्रावधान करती है कि विधि द्वारा अधिकृत कोई भी दंड लेकिन मृत्यु दंड की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए। तो धारा 28 के आधार पर आंसर इसका डी सही है। विधि द्वारा अधिकृत कोई भी दंड लेकिन मृत्युदंड की जो पुष्टि है वो उच्च न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए। तो धारा 28 में सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में दिया गया है और चैप्टर 28 में ये प्रावधान दिया गया है कि जो मृत्युदंड की पुष्टि है वो उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पर आप याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल है, सेक्शन 28 चैप्टर 28 चैप्टर 28 के सेक्शन 366 में प्रावधान दिया गया है कि जब सेशन न्यायालय के द्वारा मृत्युदंड दिया जाएगा तो उसकी पुष्टि धारा 366 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के द्वारा की जानी चाहिए। तो आंसर इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। निम्नलिखित में से कौन सा किसी विदेशी निर्णय के निश्चायक होने के लिए अपेक्षित नहीं है? इसे केस की मेरिट पर दिया जाना चाहिए, सक्षम अधिकारता के न्यायालय द्वारा इसे दिया जाना चाहिए या धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है
या दुश्मन देश के अदालत द्वारा है तो ये अपेक्षित नहीं है कि वह कंक्लूसिव जजमेंट है। तो इसका जो आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना किस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य है? तो फैक्ट्रीज एक्ट जो है, कारखाना अधिनियम 1948, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब निर्धारित किया है कि क्या शिक्षक मजदूर नहीं है? तो इसका जो आंसर है डी है, कि सुंदरबल बनाम गोवा सरकार का जो मामला था 1988 का, उसमें ये कहा गया था कि शिक्षक मजदूर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 है, औद्योगिक विवाद अधिनियम अल्टरनेटिव डिस्प्यूट एक्ट जो 1947 की धारा 2CC के अधीन क्लोजर का क्या अर्थ है? कार्य स्थान या उसके किसी विभाग का स्थायी बंद किया जाना क्लोजर का अर्थ है, आंसर इसका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 है, किस मामले के लंबन के दौरान एक रिफरेंस किया जा सकता है? अधीनस्थ न्यायालय विधि के 1% पर राय के लिए मामले को उच्च न्यायालय को रेफर करता है तो ये रेफरेंस किया जा सकता है, आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 है, एक व्यक्ति फैसले के पुनर्विचार के लिए आवेदन कर सकता है जब वे डिक्री आर्डर से व्यतीत है जिसमें अपील की अनुमति है लेकिन अपील को किया नहीं गया है, वे उस डिक्री आर्डर से व्यतीत है जिसमें कोई अपील नहीं अनुमानित है, वे लघुवाद न्यायालय से एक रेफरेंस पर हुए निर्णय से व्यतीत है तो उपरोक्त सभी मामले में पुनर्विचार के लिए आवेदन कर सकता है, रिव्यू के लिए, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, निम्न में से किस मामले में पुनरीक्षण का उपचार उपलब्ध नहीं है? मामले जिसमें पहली अपील होती है, ऐसे मामले जिनमें दूसरी अपील होती है, इंटरलोकेटरी ऑर्डर, तो इनमें है पुनरीक्षण का प्रावधान उपलब्ध नहीं है, आंसर इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, पराक्रम में नहीं है क्रॉसिंग के प्रभाव का किस धारा में उल्लेख किया गया है? पराक्रम में नहीं क्रॉसिंग के प्रभाव का जो उल्लेख किया गया है वो धारा 130 में किया गया है, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, पराक्रम लिखित की धारा 16 परिभाषित करती है पूर्ण पृष्ठांकन और निरंग पृष्ठांकन को, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के अधीन क्या दायित्व है? कठोर दायित्व, प्रतिनिधित्व दायित्व, ए और बी उपरोक्त में से कोई नहीं, तो 94 का जो आंसर है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, कठोर दायित्व का, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के क्या उद्देश्य है? लोक प्रयोजन और उद्योगों के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए कानून में संशोधन करने के लिए एक अधिनियम नहीं, लोक प्रयोजनों और व्यवसाय के लिए भूमि की खरीद के कानून में संशोधन करने के लिए एक अधिनियम नहीं, लोक प्रयोजनों और विनिर्माण के लिए भूमि पर कब्जे के कानून में संशोधन करने के लिए अधिनियम नहीं, लोक प्रयोजन और कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण के कानून में संशोधन करने के लिए एक अधिनियम, तो आंसर इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित में से किस धारा के अधीन पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं? तो धारा 41 में कर सकते हैं, आंसर इसका बी है। और जो धारा 40 है वो ग्राम के संबंध में नियुक्त अधिकारियों कर्तव्यों के बारे में बताती है और धारा 42 ये कहती है कि जो व्यक्ति नाम और निवास बताने से इनकार करते हैं उनकी गिरफ्तारी के संबंध में, और 43 में कोई भी प्राइवेट व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो उसके समस्त संज्ञेय और आजमानती अपराध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय हत्या के मामले का विचारण कर सकता है? तो हत्या के मामले का विचारण सेशन कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, ये कंपनी के आंतरिक प्रबंधन और मामलों से संबंधित है, तो एसोसिएशन ऑफ अनुच्छेद, एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल जो है वो तो कंपनी के आंतरिक प्रबंधन से संबंधित है, आंसर इसका जो है बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 है, लोक दायित्व बीमा अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो लोक दायित्व बीमा अधिनियम को 1991 में अधिनियमित किया गया था, आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असिस्मेंट किसके तहत अनिवार्य है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत, आंसर डी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के क्वेश्चन पेपर नेक्स्ट एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होंगे, और यदि आप लोग किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको जल्द ही सॉल्व पेपर उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके अलावा मॉडल टेस्ट पेपर और AIB एग्जाम की तैयारी कम समय में और आसानी से कैसे करनी है की संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ को विजिट कर सकते हैं और विजिट कर AIB एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड टेस्ट पेपर की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं जो यहाँ पे दी हुई है। तो फ्रेंड्स, यदि आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर अवश्य कर दें, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग आगे जो आने वाली वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो फ्रेंड्स,
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।